Would it be 150? 150? Yes. ये कह रही है कि 150 लिरा में मिलेगा मैं सिम कार्ड अगर प्रीपेड लेना है ये पोस्ट पेड के पैकेज देखना है भाई अभी मैं हेयर ब्रश लेने जा रहा हूँ इधर हम आ गए हैं हेयर ब्रश साथ ज़रूर रखा करें जब आप सफ़र पे जाएं बाल ख़राब हो रहे हैं कंघी वगैरह से ठीक नहीं किए जाते जो अगर हो भी डिफ़ॉल्ट तो हेयर ब्रश होना चाहिए अब हेयर ब्रश ढूंढने में जा रहा हूँ एक तो यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश भी नहीं बोलते तो मैं अब पिक्चर रिकॉर्ड करके लाया हूँ सबने साथ ताकि उससे दिखा के ले सकूँ कि ये चाहिए मुझे क्योंकि वैसे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास वो भी ना हो कोई इमेज ना हो हम लास्ट टाइम कुछ चीज़ लेने गए थे मुझे याद है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था इसी वजह से हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे मैं चाहिए क्या एक और चीज़ मैंने नोट किया जो इधर फ्रूट्स हैं देखो ये नकली नकली लगते हैं मतलब ये असली फ्रूट हैं ये केला शेला ये असली है लेकिन देखने में फील ऐसी आती है जैसे नकली फ्रूट है ऑन द स्ट्रेट टर्न राइट थैंक यू कह रहे हैं इधर जा कर उधर जा कर सामने से स्ट्रीट पर राइट टर्न हो जाओ तुम्हें वहाँ पर साफ मिल जाएगी ये टर्न राइट बनता है टर्न राइट में हो गया हूँ और अभी ढूंढ रहा हूँ मेरा ख्याल है मार्ट से मुझे मिल जाएगी एक मार्ट है मैंने देखा था इतना पास लेट्स सी ये यहाँ पे थोड़े इनके घर शर बने हुए हैं ये पब्लिक पार्क है ये देखो ज़बरदस्त फूड पार्क पे चलना चाहिए यहाँ पे क्योंकि ना ये लोग गाड़ी बड़ी तेज़ से चलाते हैं गलियों में भी फुल स्पीड कट मारते हैं लगती है तो लगे ठीक है बंदे का गाँव में फुटपाथ पे चले क्योंकि फुटपाथ बना हुआ है जगह कंगा ढूंढना जब आपको पता ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली लेकिन थोड़ा फन भी रहता है यहाँ पे चीज़ को ढूंढना ठीक है उसके बाद आपको मेमोराइज़ हो जाती है जब आप पैदल निकल के ढूंढते हैं ना कोई चीज़ तो आपको स्ट्रीट्स काइंड ऑफ सेम ही होती हैं इधर उधर जा रहे हो तो वो आपको मेमोराइज़ भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं कि अच्छा अच्छा हाँ ये वो स्ट्रीट है ये मैं इधर से टर्न ले रहा हूँ ये कर रहा हूँ तो वो एक माइंड में बड़ी अच्छी बैठती है जब आप इस तरह कुछ ढूंढने निकलते हैं पास तो अब मैं निकला हुआ ये कोई आया तो है मार्ट्स आगे उम्मीद है कि यहाँ से मिल जाएगा कुछ ये लग तो वो ही रहा है रेगुलर मार्ट पर जाके देखते हैं अंदर लुकिंग फॉर हेयर ब्रश 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 हेयर ब्रश राउंड राउंड हेयर ब्रश वेयर आर यू आई थिंक इट्स हियर इन दैट रो टारगेट मार्क ये लगा हुआ है जी ब्रश ब्रश मिल गया मुझे ये कितने का है ये शायद 9 लीरा का लिखा हुआ है ये ग्राउंड ब्रश मुझे मिला तो है मेरा ख्याल से ठीक है जी और लगा ही नहीं और ऑप्शन नहीं है एक ही है ये सोलो ऑप्शन है तो सोलो ऑप्शन में फिर ये क्या ऑप्शन नहीं होती इसका मतलब है कि यही ऑप्शन है तो लेकिन एक ट्रिप लगा लेते हैं अगर मिलता है देख रहे फ्रूट ये सब्जियां चेक करो ऐसी कभी सब्जी देखी है तो मार्ट में क्या है और मार्ट में कुछ भी नहीं है ये ठीक है मिलेगी मतलब पूरे मार्ट में बस एक ये ही ब्रश मिला है मुझे तो लेट्स टेक दिस आउट हम जा रहे हैं वापस अपना ब्रश लेकर चेकआउट काउंटर पे थैंक यू तो भाई वो 10 लीरा का ब्रश ले के मैं जा रहा हूँ और अजान भी हो रही है हर तरफ तो अभी होटल की तरफ जा रहा हूँ वापस ठीक है ब्रश सही मिल गया 10 लीरा देखने भी मिलते हैं कल ये वाला बाइक यूज़ करते हैं उधर नहीं जाना ऊपर कहा था उसने जाने के लिए अभी हम सेम ढूंढने जा रहे हैं कहीं पे अगर मिल गई तो आज मौसम ठंडा ठंडा है काफ़ी और क्योंकि कल बारिश भी हुई है ओके वी ट्राई टू फाइंड दैट प्लेस वी हैव टू गो दैट वे ओके वेल देन आस्क समवन एल्स वी विल आस्क समवन एल्स एवरीथिंग इज यस इन टर्किश लैंग्वेज लोग खड़े खड़े देख रहे हैं साइड में मैं क्या करता हुआ ऐसे कैमरा से पकड़ा हुआ क्या कर रही है इसके साथ आई एम एक्चुअली ब्लॉगिंग क्या करें ये कोई एक सेम शॉप की लग रही है
मोबाइलों वाली चेक करते हैं कि क्या दे रहे हैं। 20 लीरो में? हाँ, और 50 में दे रहे हैं 13 GB। Actually, we were looking for a SIM card. Turkish ID? No, we have passport. So, only prepaid. Just get postpaid. Prepaid, 150. 150? Yes. ये कह रही है कि 150 lira में मिलेगा मैं SIM card अगर prepaid लेना है। ये postpaid के बैग देख रहा है भाई। तो क्या करें? We don't make a call. We have to make a call. That's the reason we are here. ये कह रही है कि अपना वाई फाई मैं कनेक्ट कर देती हूँ, वैसा नहीं है तो वाई फाई से कॉल वगैरह हो जाएगी होपफुली। 185 ग्राम और हम उसने बोला इनकी वजह से। बच्चे नहीं अब हम गूगल ट्रांसलेट की मदद से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, और वो भी गूगल ट्रांसलेट कर रही हैं अपने मोबाइल के। सेम उनकी यूज़ हो रही है, मतलब मोबाइल नेटवर्क उनका यूज़ हो रहा है, और बाहर जुमे की अजान भी हो रही है आज। काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं यहाँ के, और ये यहाँ की स्ट्रीट टाइप है। आपने देखा हो कैसे हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, जितनी उससे हो सकती थी उसने कर दी। वाईफाई वगैरह का पासवर्ड दे दिया, सेम थी 150 लीरा की, और उस पर भी नेट नहीं चल रहा था। नेट वो कहती हूँ कि वार हो रही है, उस वजह से चल ही नहीं रहा, तो अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो फिर होटल में भी वाईफाई तो था। आई डोंट नो, अजवा अजवा रेस्टोरेंट, अजवा बेकरी जेल में ये उनकी ब्रांच इस्तांबुल में ओपन हो चुकी है। ये हमारा ग्रैंड यूज़ हो गया, यूज़ भी हम जल्दी जल्दी जुमा पढ़ने जा रहे हैं। येलो उसने कहा था होटल इसके बिहाइंड दैट। तो जो नियरेस्ट मॉस्क है वो ये है, यहाँ पे कोई उसके खरे बिहाइंड पे है। हम तो जा रहे हैं, देर काफ़ी हो गई है। मतलब पाकिस्तानी बच्चे हैं तो पाकिस्तानी स्टाइल में इधर निकले हैं देर से जुमा पढ़ने। ये है ना येलो, उधर से आवाज़ आ रही है, मस्जिद के लोग जा भी रहे हैं। उधर जुमा हो गया, जाने वाला है, पर हम उस तरफ जा रहे हैं। खुतबा हो रहा है। सी यू आफ्टर द प्रेयर। ये अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इधर बाहर भी लोग, वो बाहर भी जितना पाकिस्तान में बाहर वो चटाइयाँ लगा के नमाज पढ़े होते हैं, इधर भी लोगों ने लगाई नहीं हुआ है। और वो मांगने वाली वो आंटियाँ भी आई थी जो बैगेज पाकिस्तान में जैसे होता है। जुम्मे में थोड़ा सा डिफरेंट था, जुम्मा एग्जैक्टली वैसा नहीं था जैसे हमारा होता है। थोड़ा उसमें ये दुआएं शुआएं ज़्यादा करते हैं, और पॉज काफ़ी ज़्यादा आ जाता है ना उसके लिए। खुतबा बहुत लंबा होता है, और एक्सपेक्टेड था कि 1 बजे जुम्मा होगा। हाँ, लेकिन एक से लेके मेरा का डेट हो जाए पढ़ चुपाएंगे। हाँ, ऐसे ही है, 1:30 बजे हाँ सुनते पढ़ते हैं वैसे ही, और फिर वो जुम्मे के जुमा जो स्पेसिफिक जुमा है वो एक चीज़ है कि कुछ काफ़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है, रूहानी सी फीलिंग आती है। बेशक उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, क्या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो काफ़ी ना पुरजोश अंदाज में बोल रहे थे, बहुत जोश से बोल रहे थे जो भी बोल रहे थे। तो वो चीज़ बड़ी थोड़ी कैची थी, बाकी डिफरेंट थी थोड़ी सी, पढ़ने में डिफरेंट लग रहा था इधर। तो अभी पहले पढ़ रहे थे तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है। अभी यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट लगता होगा यहाँ के लिहाज से, लेकिन ये कि हमें तो अच्छा ही लगा, मज़ा आया। जुमा पढ़ के भी मज़ा आया। चुक शुक्र, अगर नहीं पता चुक शुक्र का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा लगा पढ़ के जुमा। तो ये था यहाँ का इस्तांबुल में जुमा। अब हम होटल जाएंगे, अब हम होटल जा रहे हैं, और कुछ काम है अभी। हाँ, थोड़ा सा काम है हमें रिसेप्शन पे, वो करते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक हो गया, बाय बाय।